हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद सावी। कुकिंग विद सावी में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे सेजवान मसाला मैगी। सेजवान मसाला मैगी बनाने के लिए यहाँ पे हमने कांदा लिया है, टमाटर लिया है, सेजवान चटनी ली है और एक मैगी का पैकेट लिया है। चलिए सेजवान मसाला मैगी बनाते हैं। यहाँ पे हमने गैस के फ्लेम को ऑन कर दिया है। फिर हमने इस पे कढ़ाई चढ़ाई है। कढ़ाई को थोड़ा गर्म होने दे, तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हमारी कढ़ाई गर्म हो चुकी है, अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। ऑयल को गरम होने दे। यहाँ पे हमारा ऑयल गरम हो गया है, अब हमने इसमें एक चम्मच जितना राई डाला है। फिर हम इसमें कटे हुए कांदे डालेंगे। कांदा को हमें अच्छे से भून लेना है। हमारा कांदा थोड़ा ही पिंकिश होने दिखे, उसके बाद हमें इसमें चॉप किए हुए टमाटर डालने हैं। यहाँ पे हमारा कांदा थोड़ा सा पिंकिश होने लगा है, तब हम इसमें टमाटर डालेंगे। टमाटर कांदे को अच्छे से मिक्स करना है। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे या फिर अपने स्वाद अनुसार नमक डालें। अब हम इसमें थोड़ी सी हल्दी डालेंगे और थोड़ा सा मिर्ची पाउडर भी डालेंगे। फिर हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और मसाले को अच्छे से पकने दे। वैसे तो सेजवान मसाला मैगी सबको ही पसंद है, पर आपको मेरी ये रेसिपी देख के आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। अब हम इसमें सेजवान चटनी डालेंगे। यहाँ पे हमने सेजवान चटनी डाल ली है और एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें एक ग्लास जितना पानी डालेंगे। पानी को थोड़ा गर्म होने दे या फिर पानी में उबाल आ जाएगा, उसके बाद हम इसमें मैगी डालेंगे। यहाँ पे हमारे पानी में उबाल आ गया है। यहाँ पे हमारे पानी में अच्छे से उबाल आ गया है। अब हम इसमें मैगी डालेंगे। मैगी डालने के बाद हमें थोड़ा अच्छे से मिक्स कर लेना है। पाँच
मिनट के लिए हमें इसे ऐसे ही रखना है। इटालियन डिशेस तो सबको पसंद है, बट मैगी तो सभी पसंद करते हैं। अब हम इसमें मैगी के पैकेट में आए हुए मसाले को डालेंगे और उसे अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पे हमारी मैगी लगभग पक्के तैयार हो चुकी है। 5 मिनट के लिए इसे फिर से हमें पकने देना है। मैगी में आए हुए पैकेट में मसाले को हम बाद में इसलिए डालेंगे क्योंकि उसका टेस्ट बना रहे। यहाँ पे हमने मैगी को अच्छे से मिक्स कर दिया है। हमारी मैगी बनके रेडी हो गई है, तो चलिए इसे सर्व करते हैं और गरम गरम सर्व करें। यहाँ पे हमने मैगी को सर्व कर लिया है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।